सिलोखरा गांव के विकास को दरकिनार कर गांव की पंचायती जमीन पर और रिहायशी इलाकों में भाजपा कार्यालय व ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कराए जाने के विरोध में गांव सिलोखरा एवं आसपास के गांव के नागरिक धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीण ने भाजपा कार्यालय व ग्रुप हाउसिंग को शिफ्ट करने की मांग की है। जो पंचायत की जमीन है वो हर गांव में मुश्किल है, मिलेगा नहीं, क्योंकि वो गांव की जमीन है, छत्तीस बिरादरी की जमीन है। और फिर गांव वालों ने क्या नहीं चाहिए, गांव ने कम्युनिटी सेंटर भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, पार्क भी चाहिए और तालाब भी चाहिए। तो सरकार बल्कि गांव वालों से पूछे क्या क्या सुविधा आपको दे। आंदोलन का अगला रूप क्या रहने वाला है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, हम पिछले 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कल हमारे कई बुजुर्गों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मौके पे हमने डॉक्टरों को भी बुलाया। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री हमारे शहर में थे और शहर में होते हुए वो ग्रामीणों से मिलने नहीं आए, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं, गाँव की विकास की बात को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों पे 80-80 साल के बुजुर्गों पे मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन बलपूर्वक यहाँ पुलिस की कस्टडी में बीजेपी दफ्तर को, ग्रुप हाउसिंग को बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कहने पे डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए थे, जो उन्होंने खुदाई की थी उस पे बीजेपी की दफ्तर की मिट्टी डाली जा रही है। तो मैं समझता हूँ हमारे शिवालय तोड़ दिया, हमारे भगवान परशुराम का मंदिर तोड़ दिया, शनि मंदिर तोड़ दिया, यहाँ पे बर्ड और पीपल के पेड़ थे, पीर बाबा का मंदिर था वो तोड़ दिया। तो हिंदुत्व का नारा देके और ये जिस तरह से अत्याचार गांव सिलोखरा पे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा नहीं है। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे धरने पे और या किसी प्रशासन के आदमी को भेजेंगे, लेकिन ना आके और ज़्यादा आक्रोश गांव में फैल गया है। गांव ने भी निश्चित किया है कि हम बीजेपी के दफ्तर नहीं बनने देंगे, ग्रुप हाउसिंग नहीं बनने देंगे, गाँव की हर सुविधा को लेके हम यहाँ पे रहेंगे। कोई भी 1 इंच जमीन यहाँ से देने वाला गांव का नहीं है, पूरा एक सुर में गांव ने फैसला किया है।